अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? वेलकम हो गया फ्रेंडशिप ऑफिशियल ब्लॉग। अभी बज गए सुबह के 10 या 9 बज गए थे। हम लोग उठ के फटाफट चाय नाश्ता हमारा हो रहा था अंदर, जब तक मैं बाहर का ये सब नज़ारा शूट कर रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये सब चीज़ें। और जब तक आज संडे था तो अम्मी वगैरह भाई लोग वगैरह जाके मार्केट से सब शॉपिंग वगैरह करने गए थे। तो शॉपिंग करने के सबसे पहले ये लोग लेके आए थे बकरे, क्योंकि हमें जाना था सेकेंड डे न्याज को, कि हम लोगों ने न्याज ही मंडे इसी के लिए रखे थे क्योंकि संडे हमारा सब शॉपिंग हो। सब पानी वगैरह गर्म हो रहा है, ये सब पानी का स्टोरेज है जो पानी भर के रखते हैं। ये बकरे दोनों कैसे मस्ती कर रहे, देखो एक दूसरे को, लड़ाई चल रही है इन दोनों की। तो मैं यहाँ ही खड़ी थी इनका वीडियो शूट करते हुए। ये इनका आंगन है, काफ़ी अच्छा है। पूरे आंगन में पूरा खुला खुला है तो सब चीज़ें फ्री में हो जाती है, मतलब इधर कुछ भी बैठ सकते हैं हम लोग। सब खटिया डाल के वगैरह बैठे हैं। ये इंशु देखो आग बंद करके आई थी यहाँ पर। ये यहाँ पर हम लोग आए हैं अभी शहद को तोड़ने के लिए। मेरे मामू का लड़का है जो शहद तोड़ने के लिए एकदम ऊपर चढ़ा है चक्कू वगैरह लेके, और मैं ये गए यहाँ से चाकू लाने, और मैं खड़ी हूँ यहाँ पर वीडियो शूट करने। देखो कितने मक्खी उड़ रही है, अब बिगर कुछ प्रिकॉशन के ये तोड़ रहा है, मतलब जाके निकाल रहा है शहद। देखो कुछ भी नहीं, सिर्फ सर पे इसने टावल ओढ़ा है और कुछ नहीं, और चाकू लेके गया है। और जाके अभी यहाँ से शहद निकालने के लिए खड़े हम लोग। अभी एक एक करके हम लोग कितने लोग आ गए थे देखने के लिए, और मक्खी इतने उड़ रहे थे मुझे देख के इतना डर लग रहा था कि आके काटना ले, पर वो बोला कुछ नहीं करते मक्खी, दूर खड़े रहना। तो मैं खड़े रह के देख रही थी बस ये कैसे तोड़ता है। मैं तो गई नहीं, मैं काफ़ी दूर खड़ी थी, मैं जूम कर करके कैमरा देख रही थी मैं कि कैसे काट रहा है ये। तो मुझे दिख रहा था ये काटता हुआ दूर से ही। तो देखो कैसे चक्कू से, बड़ी चक्कू से ये काट रहा था, और ये मक्खी इसको थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे थे। और जब इसने पूरा छत्ता काटा तो इतने मक्खी ऐसे उड़ रहे थे, बाप रे बाप। इसको कम से कम तोड़ने के लिए कम से कम लगे, मतलब जल्दी जल्दी ही तोड़ दिया था इसने, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 10-15 मिनट में तोड़ दिया। देखो मक्खी ऐसे मेरे इसमें दिख नहीं रहा है, पर वहाँ उस टाइम पर मक्खी बहुत थे। और यहाँ ये खड़े देखते, मैंने बोला जाओ तुम, तो बोले मैं नहीं जाता मुझे डर लगता है। देखो कितने मक्खी, ये जैसे मक्खी आ रहे थे वैसे ये यहाँ से निकल गई अकेला ही तोड़ के। देखो कैसा निकाला पूरा छत्ता, जो साइड का रहता है वो वहाँ पर खड़े रह के कट कर रहा था। उसके बाद हम लोग लेके आए घर उसको। मैं क्या करूं बोले तो क्या करूं? चोर तुम्हें ऐसे निकालो बोले तुमको, देखो अभी निकला। वो तुमको दुकान वाले वो जो रहते ना वो भी ऐसे ही देते, पर वो मिलावट करते उसको ज्यादा। क्या करते वो जो मैं फेंका देगा
वो लेके काट काट के वो लोग वो गुड़ के पानी में फेंकते हैं। वो क्या करते फिर अब लोग आए ग्रह का क्या करते कपड़े के अंदर छन्ने के अंदर नीचे को देते हैं। क्या करते नोट के ऊपर डालते और नीचे से अंगार लगाते। सब लोग शहद वगैरह निकाल कर चले गए और यहाँ पर सब मैंने मसाला वगैरह हम लोगों ने मिलके साफ किया था, ये ऐसे ही छोड़ कर चले गए। फिर मैं बकरे को देखते वापस बैठी। इन लोग इतनी मस्ती करते दोनों, इतनी मस्ती करते कि पूछो ही मत। देखो मैंने सब अदरक लहसुन कोतिमीर वगैरह सब साफ किया था, यहाँ पर रख के ढाले मैं खाते बैठी हूँ, यहाँ पर ढाले और उनको देखते बैठी हूँ। बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे ये दोनों बकरे। बाकी तो मेरा हाथ में इतना दुख रहा था लहसुन छील छील के, बाप रे बाप पूछो मत। कि हाथ से लहसुन छीलना मतलब बहुत बड़ा टास्क होता है, अगर वो गीले रहते तो फटाफट हो जाते। तो देखो ये दोनों बकरे को बच्चे लोग सब लोग देखने आ रहे बाहर से, और मरियम इंशा इन लोग को तो देख के इतने खुश हुए कि बकरे मतलब पास में खड़े हैं ना, और ये गन्ना खा के फेंक रहा है। ये रही अम्मी वहाँ से आते हुए कि सब लोग गन्ने ही खाते। वीडियो पर ब्राइटनेस ही अचानक से आ रही जा रही, पता नहीं क्या हो रहा है। आज मैंने पहना था वाइट वाला, हम दोनों ने सेम टू सेम पहना था। ये बैठे यहाँ पर आग लगाने, हमारे दोनों बच्चे बाहर रो रहे हैं उनको लेके, ये लोग समझा रहे अभी बन रहे बाहर यहाँ पर खाना। तो यहाँ पर बैठने के लिए बैठा था, अभी खाने की तैयारी चल रही है और वहाँ से लगा रहे आग सेकने। वैसे तो इतने है नहीं, मच्छर के लिए लगा रहे ना तुम, मच्छर के लगा रहे। देखते अभी कैसे जो भी होता है। मैं जा रही हूँ बाहर, फिर आप लोग को दिखाती हूँ रास्ते में। मैं निकल रही हूँ अभी यहाँ से 10 मिनट में, फिर ज़्यादा ही ब्लैक ब्लैक हो गए यहाँ आने की वजह से लग रहा है। कोई बात नहीं, चलो मिलती हूँ मैं आपको बाद में। हमारा वहाँ पर था फर्स्ट डे, जैसा मॉर्निंग तो हमारी निकल गई थी नाश्ता वगैरह करके, नाश्ता खाना वगैरह हो गया था। फिर मैंने रात का शूट किया था, तो वो बोल रहे थे क्या बनाऊँ, तो सब लोग ने मतलब भाभी ने बोला मैं बनाती चिकन, तो मेरे भाई ने बोला आप चूल्हे पे बनाना एकदम गाँवती स्टाइल में, तो बोले ठीक है। तो उन्होंने फटाफट से चूल्हे को रेडी किया, और चूल्हा तो उनके हमेशा बनाया रहता है, मतलब बर्तन को कुछ मिट्टी विट्टी लगा के रखा क्योंकि ज़्यादा काला नहीं होना चाहिए। और इन्होंने डाला यहाँ पर तेल, मैं बैठ के बाजू में इनका वीडियो शूट कर रही हूँ। मैंने बोला आप बनाओ आराम से, मैं वीडियो शूट करती हूँ। देखो आजू बाजू में सब तरफ लकड़ी रखते और बीच में चूल्हा, जैसे जैसे जो है फटाफट लेते जाओ। इन्होंने अच्छे से ऑयल गर्म करने के बाद सब कुछ इसमें डाल दिया, जैसे खोपरा कांदा लहसुन इस सब इन्होंने पीस के लेके आए थे और इसमें ये इन्होंने डाल दिया। डालने के बाद ये अच्छे से मिक्स किया, उसके बाद इन्होंने थोड़ी सी डाली कोतिमबीर। कोतिमबीर डालने से जैसे सुगंध ज़्यादा अच्छी आती, और इन्होंने अच्छे आँच पर ढक्कन ढाक कर इसको अच्छे से पकाते बैठे थे कि बहुत टाइम तक उन्होंने इसको इतना चलाया था। उसके बाद इन्होंने डाला अपना घर का मसाला जो काफ़ी तीखा रहता है हमारे वहाँ का मसाला, तो उन्होंने ये मसाला डाला 2-3 चम्मच। मैंने बोला अच्छे से बनाओ तीखा, क्योंकि हम लोग सब तीखा ही खाते। फिर मैं बैठी थी सालन को देखते, तो उन्होंने ये लेके आए 10 जो चपाती पे रखते ना, तो उन्होंने अपने हाथों से बनाया था 2 दस्तर, तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। तो उन्होंने बोला देखो कितने अच्छे, मैंने बोला मेरे लिए भी एक बनाना, तो नेक्स्ट टाइम मैं इनको बोलूँ बना के रखने के लिए, तो मैं भी लेके आऊँगी मेरे लिए। और यहाँ पर बाजू में सब बैठे हुए हैं, चिकन वॉश करके रखा हुआ है, बॉईल करके रखा था उन्होंने चिकन। फिर हम लोग सब बैठे सालन पक रहा था, तो मैंने बोला चलो, अम्मी ने बोला अभी कल हमारे न्याज है तो कुछ सामान लेके आना बाकी है, तो हम लोग जाते मार्केट में, ऊपर मतलब मार्केट में। तो ये मेरे मामू का लड़का है, सब ऑर्डर कर रहा है, और मैं यहाँ पर बैठ के देख रही हूँ अपने आप को, कि मेरे को तो कुछ पता नहीं था, तो मैंने बैठी थी ऐसे ही देखते हुए। उसके बाद कल घर पे जाएंगे, कहाँ घर पे जाएंगे, नहीं ओला जाएंगे, ओला हाँ आती तुम। गरीब नगर में कौन है, गरीब नगर में कोई भी नहीं। ओले में कौन है, ओला में है। कौन है दीका मुँह, मम्मा है, पप्पू है, नानी है, और अरे आके आके आर नहीं आके नहीं आर आई है। दुल्हन के ऐसा मेहंदी निकालते बैठी है हाथ में शेमड़ी। हम लोग वहाँ से आए, खाना वगैरह हमारा हो गया, फिर हम लोग बैठे सेकने के लिए। बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं थी, इतनी भी नॉर्मल ठंडी थी। मेरे भाई को ऐसा बैठना था सेकते हुए आग लगा के, और इसकी चोटी देखो ये बहुत खुश थी अपनी चोटी को लेके, इसको अच्छा लग रहा था। मेरी मम्मी इसको कुछ खिला रही थी और हम सब बैठे थे आग के पास। तो चलो मिलती हूँ कल के एक नए ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, शब्बा खैर।